अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं आपका ख्वाजा मोइनुद्दीन। आज हम लोग नवाब्स किचन में मटन फ्राइड पीस बिरयानी बना रहे हैं। बहुत सारे तरीके हैं यूट्यूब में भी, लेकिन जो नवाब्स किचन स्टाइल में हम लोग बनाते हैं वो बहुत ही यूनिक स्टाइल है और बहुत ही टेस्टी भी बनेगा। कभी अगर वक्त मिला ये प्रोसेस फॉलो करिए, उससे पहले सारा वीडियो देखिए। मटन फ्राइड पीस बिरयानी प्रोसेस के लिए पहले हम लोग गोश्त को बॉईल करेंगे। उसी प्रोसेस के लिए इसी में पहले ऑयल ऐड करेंगे, कुकिंग ऑयल। ऑयल गर्म हो गया है, इसी में हम लोग अच्छी तरह वॉश करा हुआ मटन ऐड करेंगे। इसी वक्त इसी में हम लोग थोड़ा सा हल्दी, नमक और अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे। अदरक लहसुन का पेस्ट, मटन को हम लोग ऑयल में 10 मिनट तक अच्छी तरह पकाए बाद इसी में हम लोग थोड़ा सा पानी ऐड करके और परफेक्टली बॉईल करेंगे। माशाल्लाह परफेक्टली बॉईल हो गया है। इसी गोश्त को हम लोग इस जो पानी ऐड करे थे जो स्टॉक फार्म हुआ है वो स्टॉक से अलग करेंगे। जो मटन हम लोग बॉईल करने के लिए जो बाउल यूज करे थे उसी में हम लोग ऑयल ऐड करेंगे। इसी ऑयल में हम लोग करी लीव्स ऐड करेंगे। इमीडिएटली इसी में हम लोग हरी मिर्ची ऐड करेंगे। नेक्स्ट इसी में हम लोग स्लाइस्ड ऑनियंस ऐड करेंगे। ऑनियंस ब्राउनिश शेड में आ गए हैं, इसी में हम लोग जो पहले ही हम लोग बॉईल करके रखे थे मटन वो इसमें ऐड करेंगे। बॉईल मटन,
इसी में हम लोग रेड चिली पाउडर ऐड करेंगे, लाल मिर्ची पाउडर, रेड चिली पाउडर, और इसी को हम लोग अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। लाल मिर्ची पाउडर ऐड करे बाद, एक 10 मिनट तक अच्छी तरह पकाए बाद, इसी में हम लोग जो पहले ही मीट को बॉईल करते वक्त जो स्टॉक हम लोग अलग करके रखे थे, उसी स्टॉक को इसमें ऐड करेंगे, मटन स्टॉक। माशाल्लाह, स्टॉक ऐड करके अच्छी तरह मिक्स करे बाद, इसी में हम लोग थोड़ा सा धनिया पाउडर, उसके साथ साथ मीट मसाला, और अच्छा सा फ्लेवर लाने के लिए ग्रीन कार्डमम पाउडर, इलायची पाउडर भी ऐड करेंगे। मटन को फ्राई करे बाद, उसी को हम लोग बाउल से अलग करे थे और उसी बाउल में हम लोग बिरयानी दम डालने के लिए इस्तेमाल करे थे। एक तरफ बासमती राइस भी बॉईल हो गया था और लेयर वाइज एक लेयर हम लोग राइस ऐड करे थे, उसके बाद जो रोस्टेड मटन है उसको ऐड करके फिर से राइस ऐड करे, और दो लगन में हम लोग उसी राइस पे हम लोग थोड़ा सा सैफ्रन कलर ऐड करे थे और प्योर घी, उसके साथ कोरिएंडर और मिंट लीव्स ऐड करके लिड क्लोज करके इसी पे रखे हैं। सिर्फ 20 से लेके 30 मिनट तक हल्के से आंच पे इसको दम पे रखेंगे, उसके बाद ओपन करके दिखाएंगे।
जो भी नवाब्स किचन ऑफिशियल टीम को कांटेक्ट करना चाह रहे, contact@nawabskitchen.org पे मेल करिए। हम लोग आप तक पहुंचेंगे, मैं डायरेक्टली आपसे बात करूंगा। और भी अच्छे अच्छे वीडियोस के लिए चैनल को फॉलो करिए। जो भी वीडियो पहली बार देख रहे हैं, अपने दोस्तों को शेयर करिए। सारा टीम बहुत ही मेहनत करता है। इन सभी के लिए दुआ करिए। अल्लाह हाफिज़।